एस्थेटिक बहुत प्यारा है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है। सारा खाना है तो जी स्वीट बन गई है और बस ये मैंने लास्ट गार्निश कर दिया है और अब हम ये खाएंगे कल। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सीन ये है कि मैं बस रेडी हो गई हूँ, मैं निकलने लगी, ड्राइवर का वेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो मैं निकलने लगी हूँ, मैं लंच पे जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। एक बहुत अरसा हो गया मैं ऐसे नहीं निकली लाइक लंच करने फ्रेंड्स के साथ। तो हमने कहा चलो आज ज़रा इन्जॉय करते हैं, ज़रा गपशप करेंगे, खाना शाना खाएँगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। उसके आज दिन कैसे जाता है वो तो पता नहीं, उसके बाद मैं क्या करूँगी, पर फिलहाल तो मैं लंच में जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आई होप सो। तो आप बस जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन मत भूलना। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, यही सपोर्ट है जो मुझे लेके चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो आई होप मैं ऐसी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती हूँ आपके लिए और आपको भी मज़ा आए मेरे साथ। तो बस ये जल्दी से कर दें, मैं भी निकलती हूँ और आपको प्रसाद लेके चलती हूँ। तो लेट्स गो। क्या हाल है? आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। ये देखें जी मेरे दोस्तों के काम, अंदर आने से पहले ही उनका फ़ोटोशूट शुरू हो गया है। तो यार वाइब्स तो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। मैं बस अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ, उनका फ़ोटोशूट ही ख़त्म नहीं हो रहा। वो फ़ोटोशूट ख़त्म कर लें पर बैठ के कुछ खाते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मुझे इस कदर भूख लग रही मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस ये आ जाएँ फिर बैठते हैं और फिर चिल करते हैं, गपशप लगाते हैं और खाना शाना खाते हैं। तो फिलहाल ये है कि जी एस्थेटिक बहुत प्यारा है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है और ये है सारा सीन। बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है ये देखिए, बहुत प्यारा है। और उधर वो उनका ओपन किचन है। तो यहाँ पे उन्होंने जिस तरह की थीम है उनके रेस्टोरेंट की, उन्होंने ड्रिंक्स भी वैसे ही सजा के रखी है, क्यूट। ये देखिए बहुत प्यारा है। तो बस ये सब तो देख लिया, अब बस ये आके बैठें तो मैं कुछ खाऊं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो लेट्स सी कैसा जाता है आज का दिन। इतनी प्यारी सी किटी यहाँ पे बेचारी अंदर आने की कोशिश में होगी, बहुत क्यूटू है, इतनी पॉलिश ही है, ये बेचारी वेट कर रही है, आई मीन ट्राई कर रही है अंदर आने के लिए। Two hours later. तो खाना मेरे सामने आ गया और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बड़े मज़े का खाना है, अरबिक फूड है और मेरी दोस्तें टूट पड़ी हैं खाने पर, उन्होंने मेरा ज़रा सा भी वेट नहीं किया। तो ये सारा चीज़ खाना एज यू कैन सी टूट पड़ी हैं खाने पर और गॉसिप शुरू हो गई हैं। तो ये चीज़ सारा खाना, अब देखते हैं खाना खा के कि किस तरह का है, मज़े का है कि नहीं। तो लेट्स सी। बाय द वे ये तो है ही है पर वाइब्स चेक करो भाई, बहुत ज़बरदस्त है और इस तरह का माहौल है सारा। देखते हैं आप खाना किस तरह का। देखो ये कितना ज़बरदस्त है, यहाँ पे बनवाओ आके, जैसे इसने अपना हाथ पे बनवाया है और इसने अपने फेस पे, कितना प्यारा लग रहा है, वाओ ब्यूटीफुल। मैं भी सोच रही हूँ कुछ बनवाऊँ यहाँ पे, लेकिन क्या बनाया जाए, लेट्स सी। बारी आ गई, मैं करवाने लगी हूँ। तो मैंने कहा मुझे रोज़ गोल्ड चाहिए और मुझे अपनी आइज़ के पास कुछ करना है। तो देखते हैं अब ये क्या मैजिक करते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा मेरी बारी है और मैंने कहा जो आपका दिल करे वो बना दो। तो अब देखते हैं क्या बनाती हैं, आई होप प्यारा लगे। तो लेट्स सी यार, अच्छा लग रहा है नो डाउट। चलो देखते हैं क्या बनाती हैं, आप बताएं कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने किया तो उनके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था और डार्क में तो ज़्यादा चमक रहा था। तो लेट्स सी मेरा कैसा जाता है। आ गई है, मज़ेदार सी लग रही है।
चलो यार इवेंट ख़त्म हो गया, अब चलते हैं। बहुत मज़ा आया, सारे फ्रेंड्स से मिले, इतना ज़बरदस्त सीन था। अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी भी आ गई है और ये था सारा इवेंट। रात के वक्त अलग अलग वाइब्स हैं और डे टाइम बिल्कुल अलग, तो बहुत मज़ा आया। अब घर चलते हैं, लेट्स गो। Many hours later. तो कल हमारे घर में पार्टी है और मैं उसके लिए डिज़र्ट बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको ब्लॉग में भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी फ़र्स्ट लेयर मैंने केक डाला है, उसके बाद ये मैंने एक फिलिंग बनाई है क्रीम की, वो डाली है। अब बिस्कुट की लेयर, फिर मैं क्रीम की लेयर करूँगी और इस तरह मैं इसको लेयर करती रहूँगी। ये मेरी अपनी काइंड ऑफ रेसिपी है, मतलब ये जो क्रीम और सब, मुझे बहुत शौक है कुकिंग का, बेकिंग का, और मैं ऐसे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। तो मैं ऐसे टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा और मैंने कहा चलो, तो अब मैं ये, मुझे ये स्वीट सबको मेरी बहुत पसंद आती है, तो मैंने कहा चलो अब कल वन डिश पार्टी है तो मैं ये बना के लेके जाती हूँ। तो बस मैं वही बना रही हूँ और आपको फिर इसका एंड रिजल्ट भी दिखाती हूँ। तो इट लुक्स डिलीशियस बाय द वे, इतनी मज़े की क्रीम फिलिंग है ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो ये है जी, मैं आपको नेक्स्ट लेयर दिखाती हूँ। नेक्स्ट लेयर मैं सोच रही हूँ चॉकलेट बिस्किट की करूँ, तो देखते हैं डिप करके और इस तरह में लेयर्स बना रही हूँ। उसके बाद मतलब ये जो भी है लाइक लेयर केक है। चलिए जी, इसकी लेयर्स तो बन गई हैं, अब इसकी लास्ट लेयर है ये चॉकलेट गैलर, और ये जाने लगा है चॉकलेट। कितना सेटिस्फाइंग है ये, लुक्स डिलीशियस, ज़बरदस्त। वैसे भी चॉकलेट डाल के अब इसको देखते हैं स्वर्ल करते हैं ये क्या करते हैं, यम्मी। तो जी स्वीट बन गई है और बस ये मैंने लास्ट गार्निश कर दिया है और अब हम ये खाएंगे कल एंड वी विल एंजॉय। फिर कल मैं आपको वो दिखाऊंगी कि कैसे लेयर्स में आता है, क्या आता है। तो जी ये हो गई है स्वीट रेडी, डिलीशियस, मज़ेदार मज़ेदार। The next day. इतना ज़बरदस्त लग रहा है। ये हम अपनी आंट के घर पे आए हैं एंड सब ने वन डिश पार्टी की है और मेरी स्वीट अभी यहाँ पे नहीं है, वो स्वीट्स के साथ आएगी। तो ये है सारा मज़े मज़े का। ये आ गई हैं सारी स्वीट्स, ये मेरी आंट ने बनाया है कस्टर्ड, ये मेरी कज़न ने बनाया और ये बनाया है मैंने। अब इसको कट करके देखेंगे अंदर लेयर्स कैसे, आई मीन स्कूप करेंगे और देखेंगे अंदर लेयर्स कैसी। तो हम भी चल कर रहे हैं, नहीं नहीं सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए।